खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आम बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के गौरव गोगोई। गौरव, क्या कैसे देखते हैं अभी बजट भाषण खत्म हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो बजट है ज्यादातर भाजपा के जो कॉरपोरेट डोनर्स हैं उनके सुविधा के लिए है। इसमें किसानों की जो आमदनी दुगनी करनी थी वो बात हमको सुनाई नहीं दी। ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से पानी और सिंचाई की जो समस्या है वो बात हमको सुनाई नहीं दी। जहाँ तक अगर आप बजट में देखें तो लगभग सबसे ज्यादा शब्द जिसका इस्तेमाल वित्त मंत्री जी ने किया वो प्राइवेट सेक्टर था। तो मुझे लगता है कि भाजपा के जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जितने भी उतने साथी हैं, बिग बिजनेस हैं, उनके सुविधा के लिए ये बजट बनाया गया है। नहीं, लेकिन सेस भी लगाने की बात कही गई है। पेट्रोल डीजल पर उन्होंने 1% सेस लगाने की बात, वो आप देखते हैं, आपको लगता है कि महंगाई बढ़ेगी? जरूर बढ़ेगी। और जिस प्रकार से उन्होंने कस्टम्स ड्यूटी घर के विभिन्न विनाइल फ्लोरिंग और इस पर लगाए तो घर के दाम भी आने वाले समय में बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग के समाज के जो लोग थे जिन्होंने बहुत आशा से इस सरकार को समर्थन दिया, उनके उनके जीवन के लिए किसी प्रकार की सुविधा इस सरकार ने आगे नहीं बढ़ाई।